कोई सा भी कलर इसके अंदर चॉइस कर सकते हैं। इसकी हमारे पास ये कैटलॉग है पूरी, ये टोटल एक्रेलिक के कलर हैं। इसके अंदर आप अपने रूम के हिसाब से, अपनी वॉल के हिसाब से जैसा भी कलर रखवाना चाहेंगे वो कलर आपका इसमें फर्नीचर में हो जाएगा। अलमारी है इसकी, अलमारी आप देख सकते हैं, ये रेड कलर का जितना भी काम हुआ हुआ है इस बेडरूम के अंदर, ये टोटल एक्रेलिक लासानी की शीट का हुआ हुआ है। तो बाकी जो काम हुआ हुआ है इसको पार्टिक्स लेमिनेशन की शीट का हुआ हुआ है। इसमें हमने तीन दराजे एक तरफ रखी हैं, तीन दराजे एक तरफ रखी हैं, और बीच में इसके ये डोर का काम किया इसमें। ठीक है, ठीक है। डिवाइडर है, सही है, डिवाइडर इसका 4 फिट में बना हुआ है। अगर इससे बड़ा साइज़ बनवाना चाहेंगे वो भी बन जाएगा। और इसमें मिरर का काम हुआ हुआ है टोटल। इसके अंदर की जो शेल्फ बनाई है वो भी मिरर की बनाई है, और 8 mm की शेल्फ बनी है। ठीक है, इसमें एक ये फैंसी लाइट का काम किया है कि ये आपकी लाइट जब जलेगी तो बेड की मज़ीद खूबसूरती बढ़ेगी। इसके अलावा ये कुछ ये बेड में ड्रॉज दिया हुआ है। ठीक है, ड्रॉज दी है, एक बड़े साइज़ की ड्रॉज है। अगर इसका डोर इसका ये स्लाइड होता है, ये देख सकते हैं आप इसकी स्लाइडिंग कितनी स्मूथ इजी है, बहुत स्मूथ स्लाइडिंग है इसकी। ठीक है, इस तरफ हमें 3 ड्रॉज़ें बनी हुई हैं, 2 ये एक साइड पे बनी हुई है। ठीक है, ये छोटे साइज़ में 2 ड्रॉज़ें बनी हुई हैं इसके अंदर, और दूसरी साइड पे इसकी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर एक ड्रॉज बनाई है और बड़ी ड्रॉज बनाई है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये बड़ी ड्रॉज है, और इसके अंदर ये जो शीट का काम हुआ हुआ है ये 1/4 इंच मोटी शीट का काम हुआ हुआ है। इसमें कोई हमने हल्की चीज़ नहीं लगाई हुई है। पास दुकानदार है, हमने इसके अंदर भी एक लॉकर बनाया हुआ है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर भी एक लॉकर बनाया हुआ है, ये एक्स्ट्रा ये लॉकर दिया हुआ है। इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है। जी बिल्कुल, इसमें भी बहुत अच्छा खासा स्पेस है कि आपकी कीमती चीज़ें इसके अंदर सेफ रहेंगी। और नीचे एक बॉक्स है, हर डोर में ये सिस्टम दिया हुआ है कि आपके बड़े सामान की भी बहुत ज़्यादा इसमें जगह बनाइए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सामान इसके अंदर आ सकता है। सके बॉक्स बना हुआ है कि ये डोर आपका खुलेगा, इसके अंदर आप जाके आराम से अपना कॉस्मेटिक का सारा सामान रख के इसको वापस लॉक कर सकते हैं कि आपकी चीज़ें इसमें सेफ रहेंगी। ये LED लाइट्स जब आपकी जलेंगी तो इसमें मज़ीद खूबसूरती आपकी बढ़ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है एहतिशाम जंजुआ। व्यूअर्स, काफ़ी दिन से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि एहतिशाम भाई शादियों का सीज़न चल रहा है तो कोई ऐसी शॉप एक्सप्लोर करें जहां पे बेडरूम सेट बहुत ही मुनासिब पैसों में मिलता है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैंने एक ऐसी शॉप एक्सप्लोर की है जहाँ पे आपको तमाम लेटेस्ट और मॉडर्न डिज़ाइन जो होते हैं बेडरूम सेट के जो आजकल चल रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं इनके पास। और ये एड्रेस कहाँ पर है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो तमाम तफसीलात आपको वीडियो में मिल जाएगी। और कराची वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है और हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक ज़बरदस्त ऑफ़र है। वो ऑफ़र क्या है वो आपको अभी अब्दुल रहमान भाई बताएंगे, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रहमान भाई कैसे हैं? ठीक है। अच्छा रहमान भाई, सबसे पहले तो अपनी शॉप का एड्रेस बता दें, अगर आपकी शॉप पर कोई आना चाहता है तो उसका मुकम्मल एड्रेस बता दें। सर, करीमाबाद फर्नीचर मार्केट में ये शॉप है हमारी, इमरान सन्स हमारी शॉप का नाम है। ठीक है, इमरान सन्स, आप मार्केट में आके किसी से भी पूछ सकते हैं इमरान सन्स का, तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो किन चीज़ों में डील करते हैं आप? सर, हमारे पास हर किस्म का काम मिलेगा आपको, जैसे अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फर्नीचर बनवाना चाहते हैं वो भी ये के हो सकता है। इसके अलावा आप अगर कोई हमारे पास जो मज़ीद हमारे मौजूदा जो डिज़ाइन हैं अगर उसमें से कोई सेलेक्ट करते हैं वो भी हो सकता है। आप अपने रूम के हिसाब से कि जिस साइज़ में आप बनवाना चाहते हैं वो भी काम हो सकते हैं। अच्छा, तो रहमान भाई हमारे व्यूअर्स के लिए या कराची वालों के लिए क्या ऑफ़र है? सर, ऑफ़र मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको अपनी शॉप पे जो हमने अभी लेटेस्ट डिज़ाइन बनाया है ब्राइडल सेट जो शादी के लिहाज से, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चलें, ठीक है। तो व्यूअर्स, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप यही वीडियो मेरी फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू रहमान भाई, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले कौन सा डिज़ाइन दिखाएंगे आप? सर, सबसे पहले मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल फ्रंट पे हमारा ये डिज़ाइन रखा हुआ है। ये बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है, इंशाल्लाह ये आप किसी भी मार्केट में देखेंगे आपको नहीं देखने को मिलेगा सेट। इमरान सन्स के अलावा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा ये सेट। इस सेट में जो हमने चेंजेस रखी है, सबसे मेन चीज़ जो चेंजेस रखी है वो ड्रेसिंग टेबल की हमने रखी है। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाई है क्योंकि हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है कि ड्रेसिंग टेबल में कुछ अलग लुक चाहिए। तो इसमें हमने 3 दराजे एक तरफ रखी हैं, 3 दराजे एक तरफ रखी हैं, और बीच में इसके ये डोर का काम किया इसमें। ठीक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें कब्ज़े हुआ भी जो है कि हाइड्रोलिक कब्ज़े का काम हुआ हुआ है, कोई लोकल कब्ज़े हमने इसमें नहीं इस्तेमाल करे। अच्छा, इसके अलावा दोनों तरफ 3-3 दराजे हैं इसमें। ठीक है, और ये ऊपर का आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग लेटेस्ट डिज़ाइन है। इसकी रेलिंग वगैरह कैसी होती है? इसमें ये गोली चैनल लगे हुए होते हैं,
इसके अलावा इन दराजों के अंदर हमने एक्स्ट्रा ये एंगल के क्लिप लगाए हुए हैं जिसकी पायदारी की इसकी पायदारी मजीद बढ़ाई हुई हमने इसकी वजह से कि हर दराज के अंदर आपको जो है लगे हुए दिखेंगे, हर दराज में आपको लगे हुए दिखेंगे ये देख सकते हैं। सही है सही है। इससे इसकी हमने मजीद पायदारी बढ़ा दी है। अच्छा अच्छा जी ठीक है। ये ड्रेसिंग हो गई, ये ड्रेसिंग ये 4 फिट की साइज़ में बनी हुई है ड्रेसिंग। इसके अलावा आप अगर इसको छोटा करवाना चाहें छोटी भी हो सकती है, अगर आप इसको बड़ा करवाना चाहें बड़ी भी हो सकती है। इसमें ये एक्रेलिक की शीट का काम हुआ है, गोल्डन एक्रेलिक का। सही है। इसमें पूरे सेट में जे के तमाम सेट में जे के गोल्डन एक्रेलिक का काम करा है। ठीक है, ये इसका ड्रेसिंग हो गया सर। अब नेक्स्ट क्या दिखाएंगे? इसका डिवाइडर है। सही है। डिवाइडर इसका 4 फिट में बना हुआ है, अगर इससे बड़ा साइज़ बनवाना चाहेंगे वो भी बन जाएगा। और इसमें मिरर का काम हुआ हुआ है टोटल। अच्छा। इसके अंदर की जो शेल्फ बनाई है वो भी मिरर की बनाई है और 8 mm की शेल्फ है। सही है। अंदर की जो शेल्फ रखी है वो 8 mm की रखी है। ये डोर जो हमने इसका रखा है 6 mm का रखा है। ठीक है। इसमें पायदारी रहेगी और इसमें हाइड्रोलिक कब्जे लगाए हैं इसमें भी कि आपका आराम से जाके डोर बंद होगा। तो यहाँ पे इसका कोई वो नहीं है हैंडल वगैरह? हैंडल इसके हमने ये नीचे नीचे दिए हैं। जी ठीक है। उसके नीचे दो ड्रॉज भी दिए हैं। इन ड्रॉज ये ड्रॉज है। क्वालिटी भी वैसे ही है सेम। ठीक है। अच्छा 4 फिट का ये इसका डिवाइडर आ गया। ओह सॉरी, डिवाइडर हो गया। ठीक है। और अब आ जाए इसका ये बेड लगा हुआ है, बेड साइड टेबल है। ठीक है। साइड टेबल देख सकते हैं आप, इसकी पूरी जो है कि बेड की हाइट के बराबर की साइड टेबल बनाई है। इसमें एक ये फैंसी लाइट का काम किया है कि ये आपकी लाइट जब जलेगी तो बेड की मज़ीद खूबसूरती बढ़ेगी। इसके अलावा ये कुशन का काम हुआ हुआ है, कुशन में भी ये वेलवेट यूज़ करा हुआ है। कुशन में हमने रेक्सिन का काम हम नहीं करते हैं क्योंकि वो साफ़ करने में या कोई हल्की फुल्की चीज़ भी लग जाती है तो वो उससे फट जाता खराब हो जाता है। जी। इसमें कोई कस्टमाइजेशन करवाना चाहता है कलर में? जैसा आप करवाना चाहें वैसा हो जाएगा। आगे जाके भी इंशाल्लाह आपको इसी डिज़ाइन के अंदर और चेंजेस दिखेंगे हमारे पास से। इसके लिए भी हम आपको तकलीफ देंगे कि आप आएँ और हमारी मजीद एक वीडियो बनाएं जो आपके व्यूअर्स को एक और अलग चीज़ देखने को नजर आए। डिजाइन वगैरह चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा वैसे कोई पिक्चर्स मांगे आपसे तो वो भी आप पिक्चर्स भी सेंड कर देंगे? जी बिल्कुल। क्योंकि आपका नंबर चल रहा होगा व्हाट्सएप पे भी स्क्रीन पे। बिल्कुल। ठीक है सर। इसके अंदर बेड में एक ड्रॉस भी दिया हमने। अच्छा, देख सकते हैं ये बेड में ड्रॉस दिया हुआ है। ठीक है, ड्रॉस दी है, एक बड़े साइज की ड्रॉस है। अगर इसके अलावा आप जैसे ये एक साइड पर ड्रॉस है, अगर दूसरी साइड पे भी करवाएंगे दूसरी साइड पे भी हो जाएगी, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। या इसमें जो है कि आप 4 रोज करवाना चाहें, दो इस तरफ इस तरह से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो जाता है। इसमें मतलब वजनी सामान भी रख सकते हैं, ख़राब तो नहीं हो जाएगा? इसमें नीचे जो शीट लगाई है वो 1.25 इंच मोटी शीट लगी हुई है, हार्डबोर्ड का काम नहीं हुआ हुआ है। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अलमारी की तरफ चलते हैं। अलमारी है, इसकी अलमारी आप देख सकते हैं, ये रेड कलर का जितना भी काम हुआ हुआ है इस बेडरूम के अंदर ये टोटल एक्रेलिक लासानी की शीट का हुआ हुआ है। वो बाकी जो काम हुआ हुआ है इसका वो पार्टिक्स लेमिनेशन की शीट का हुआ हुआ है। ठीक है। इसमें अलमारी में भी ये कि वही हाइड्रोलिक कब्जे का काम हुआ हुआ है। इसके अलावा अलमारी में कोई चेंजेस करवाना चाहें वो भी हो सकती है। एक साइड पे इसके ये अंदर ड्रॉज है, शेल्फ है, इसके बाद ये सेंटर में हैंगर वाला है। हैंगर भी जो यूज़ करा हमने स्टील की रॉड का यूज़ करा है, लोहे की रॉड का नहीं है। ठीक है। ये मुड़ेगा नहीं आपका हैंगर। और इसकी डेप्थ कितनी है? इसकी डेप्थ है 20 इंच। अगर आप बढ़वाना चाहें या कम करवाना चाहें वो भी। ठीक है ठीक है। और सर अब इसकी प्राइस के बारे में बताएं कि ये प्राइस आप मार्केट में क्या चल रही है और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल ऑफर जो आप बता रहे थे इंट्रो में। सर इसकी प्राइस जो हमने रखी है वो 1,65,000 रुपये की इसकी प्राइस रखी है सेट की पूरी। आपके व्यूअर्स के लिए और ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए इसकी हमने जो फाइनल प्राइस रखी है वो 1,45,000 रुपये रखी है डिस्काउंट के बाद। 1,45,000 रुपये इसकी प्राइस फाइनल रखी है हमने। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं तो उसके चार्जेस अलग होंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। और ये सिर्फ आप कराची में डिलीवर करते हैं या पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी ऑर्डर? जहाँ से भी हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा वहाँ आप डिलीवर करवा देंगे। चले ठीक है सर। और नेक्स्ट कौन सा डिज़ाइन है आपके पास सर? नेक्स्ट में रहमान भाई नेक्स्ट कौन सा डिज़ाइन है सर? नेक्स्ट में एक और एक्रेलिक का ही डिज़ाइन है, ये सुपर ग्लोस की शीट में बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये भी एकदम बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है। इसमें आप बेड में देख सकते हैं किस तरह का खूबसूरत सा ये कि सिंपल सॉबर सा और बहुत बेहतरीन किस्म का लुक इसके अंदर हमने दिया है। इसके अलावा इसमें आप कोई भी चेंजेस करवाना चाहें इसमें भी हर किस्म की चेंजेस हो सकती है। ठीक है। ये जो शीट का काम हुआ हुआ है ये सुपर ग्लोस की शीट होती है, ये उसका काम हुआ हुआ है इसके अंदर। अच्छा 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 अच्छा। और इसमें जैसा मैंने आपको पहले सेट में बताया कि ड्रॉज़ों का काम, जैसे पहले सेट में मैंने दिखाया एक ड्रॉज का काम हुआ हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर 3 ड्रॉज़ों का काम हुआ हुआ है। अच्छा जी। इसमें 3 ड्रॉज़ें बनी हुई हैं, 2 ये एक साइड पे बनी हुई हैं
ठीक है। ये छोटे साइज में दो ड्रॉज है बनी हुई है इसके अंदर, और दूसरी साइड पे इसकी मैं आपको दिखाऊंगा, इधर एक एक ड्रॉज बनाई है और बड़ी ड्रॉज बनाई है हमने, ठीक है। ये देख सकते हैं ये बड़ी ड्रॉज है, और इसके अंदर ये जो शीट का काम हुआ हुआ है, ये पौने इंच मोटी शीट का काम हुआ हुआ है, इसमें कोई हमने हल्की चीज़ नहीं लगाई हुई है। बाज़ दुकानदार ऐसी बनाते हैं दराज, जिसमें वो नीचे हार्डबोर्ड लगा देते हैं और उसके नीचे दो सपोर्ट दे देते हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती। ये हमने टोटल ये के पौने इंच की शीट लगाई हुई है, उसके नीचे व्हील लगाए हुए अच्छे वाले कि आपकी ये मूविंग आराम से होती रहेगी, ठीक है, ठीक है। ये कहीं पे भी आपकी दराज अटकेगी नहीं, जिस तरह से मैंने दराज खोली है इसी तरीके से ये आपकी दराज बंद हो जाएगी। अच्छा। इसमें जो सामान आप रखना चाहें, वजनी से वजनी भी चीज़ रखेंगे, इंशाल्लाह ये दराज कहीं भी नहीं जाएगी। अब इसमें ऑप्शन ऐसा भी होता है कि जैसे दूसरी तरफ दो दराजें बनी हुई हैं, इसी तरीके से इस तरफ भी दो दराजें बन सकती हैं, या जैसा आप चाहेंगे उस तरह की दराजें, जैसी ऑल्टरेशन आप बोलेंगे वैसी हो जाएगी। क्योंकि ये जो बेडरूम सेट बना हुआ है ये कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर बना हुआ है, सही है। उन्होंने एक तरफ दो ड्रॉज़र रखवाई, एक तरफ एक बड़ी ड्रॉज़र रखवाई, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो डिवाइडर है, ठीक है, ये इसका डिवाइडर आ गया। इसका डिवाइडर ये थ्री डोर का डिवाइडर है, अलग अलग पीस हैं तीनों। ऊपर का जो टॉप है ये वन पीस में रख के इसमें एलईडी बल्ब का काम किया है कि ये एलईडी लाइट्स जब आपकी जलेंगी तो इसमें मज़ीद खूबसूरती आपकी बढ़ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं इसमें शेल्फ, ये ऊपर आपके शेल्फ आ गए, नीचे ये बड़ा बॉक्स बनाया है कि इसके अंदर आप बड़ी चीज़ें आपकी आराम से आ सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। नीचे पाए लगे हुए हैं, ये पक्की लकड़ी के पाए लगे हुए हैं कि आप अगर पानी वगैरह से फर्श वगैरह धोते हैं तो उससे ये चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी, सही है, सही है। इसके तीनों डोर एक जैसे ही बने हुए, तीनों डोर में इसके अंदर शेल्फ और नीचे एक बॉक्स है। हर डोर में ये सिस्टम दिया हुआ है कि आपके बड़े सामान की भी बहुत ज़्यादा इसमें जगह बनाई है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सामान इसके अंदर आ सकता आ है, आ सके, ठीक है। और ये इसका ड्रेसिंग आ गया सर, ये इसका ड्रेसिंग है सर, इसका ड्रेसिंग थोड़ा अलग स्टाइल में है। इसमें एक साइड पर ये मिरर है, एक साइड पर ये ब्यूटी बॉक्स बना हुआ है कि ये डोर आपका खुलेगा, इसके अंदर आप जो है कि आराम से अपना कॉस्मेटिक का सारा सामान रख के इसको वापस लॉक कर सकते हैं कि आपकी चीज़ें इसमें सेफ रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें तीन ड्रॉज़े एक तरफ हैं, एक ये छोटी ड्रॉज़ अलग सी दी है यहाँ पे, और इसमें भी सब वही काम हुआ हुआ है एंगल वगैरह का, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी हमने वही एंगल का काम करा है कि इसकी भी मजबूती बराबर भरपूर तरीके से जो है कि मजबूती रहेगी इसके अंदर। इसके अलावा ड्रेसिंग हो गया, ठीक है, इसकी ड्रेसिंग है। और नेक्स्ट आगे तो एहतिशाम भाई, अब मैं आपको इसकी अलमारी दिखाऊंगा। इसकी अलमारी बहुत यूनिक बनी हुई है, बहुत अलग स्टाइल में बनी हुई है। इसकी अलमारी आप देख सकते हैं, इसमें हमने दो डोर स्लाइड के रखे हैं, सेंटर वाला डोर जो रखा है ये खुलने वाला है, ठीक है, ये डोर खुलेगा आपका। इसमें अंदर ये हैंगर है, स्टील रॉड लगा हुआ है इसके अंदर भी हैंगर में, ठीक है। इसके अलावा इसमें लॉकर हमने बनाए हैं, लॉकर जो आप बाज़ दुकानों पे देखेंगे एक लॉकर होता है जो सिर्फ बाहर से नज़र आता है, जैसे ये लॉकर है, ये बाहर से नज़र आने वाला सिर्फ लॉकर है, हमने इसके अंदर भी एक लॉकर बनाया हुआ है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर भी एक लॉकर बनाया हुआ है, ये एक्स्ट्रा ये के लॉकर दिया हुआ है। इसमें अच्छा खासा स्पेस है जी, बिल्कुल, इसमें भी बहुत अच्छा खासा स्पेस है कि आपकी कीमती चीज़ें इसके अंदर सेफ रहेंगी, ठीक है। इस तरह से हो गया, सही है, सही है। और इसकी स्लाइडिंग अलमारी है, ये साइड का डोर इसका ये स्लाइड होता है, ये देख सकते हैं आप इसकी स्लाइडिंग कितनी स्मूथ इजी है, बहुत स्मूथ स्लाइडिंग है इसकी, ठीक है। इस तरफ आपके शेल्फ आएंगे, इसमें जो अलमारी में काम हुआ हुआ है हमारे पास तमाम सेट में, अलमारी में ख़ास तौर पे जो पीछे की शीट होगी वो जितनी मोटाई पल्ले की होगी उतनी ही मोटाई पीछे यूज़ करी हुई होगी, सही है। इसकी वजह ये है कि अलमारी में ये कि ज़्यादातर कंप्लेन आती है कि पीछे जो पहले हार्डबोर्ड लगा हुआ आता था उसकी अक्सर कंप्लेन आती थी कि वो हार्डबोर्ड टूट जाता है, निकल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके अंदर ना, सही है। तो इसलिए हमने अब जो हमारे पल्ले की मोटाई है पौने इंच की, वही मोटाई का काम हमने इसमें पीछे करा है अलमारी में, ताकि इसकी मजबूती बरकरार रहे, ठीक है, ठीक है। एक साइड ये है, इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह से है कि इसमें भी शेल्फ हैं, पीछे वही शीट का काम हुआ हुआ, ये ड्रॉज बनी हुई है इसके अंदर, दोनों तरफ अंदर ड्रॉज हैं इसके अंदर, चैनल वही गोली चैनल लगे हुए, ये ड्रॉज लॉक रहेगी आपकी, बाहर नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर कोई ऑल्टरेशन करवाना चाहें तो साइड पे चाबी क्यों लगी हुई इसके? सर ये इसके स्लाइडिंग के लॉक है। अच्छा, साइड पे लगती है? जी हाँ, ये साइड पे लगती है, यहाँ से ये लॉक हो जाती है जी। अच्छा, तो रहमान भाई अब इसकी प्राइस बताएं। सर हमने जिस तरह से ये सेट बनाया है ये ऑल्टरेशन के साथ बना हुआ है, अगर आप जैसे इसमें ऑल्टरेशन नहीं कराते हैं, जैसे ड्रॉज़ेस के अंदर बनी हुई है, अगर आप ये चीज़ें नहीं रख पाते हैं
तो नॉर्मली ये सेट की जो हमने प्राइस रखी थी वो रखी थी 1,40,000 रुपये आपके व्यूअर्स के लिए, और ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए हमने इसकी फाइनल प्राइस रखी है 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये में आप हमारे व्यूअर्स को ये दे देंगे। इसके अलावा अगर कोई कांटेक्ट करता है मजीद कमी पेशी हो जाएगी कुछ जो हो सकेगी वो हो सकेगा वो आप कर लेंगे। इसके अलावा जो इसमें ड्रॉज़ें वगैरह बनी हुई हैं, अगर आप इसमें ड्रॉज़ वगैरह डलवाएंगे तो फिर उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, वो जब आप हमारी शॉप का विजिट करेंगे तो उसके हम आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी होगी वो हम आपको बाकी मैट्रेसेस वगैरह अवेलेबल होते हैं सर। प्राइस हमारी जो भी होगी वो मैट्रेस के अलावा होगी। मैट्रेस आपको जिस तरह का जितने की रेंज का जितने तक की रेंज में अच्छी से अच्छी क्वालिटी चाहिए होगी वो हम आपको अरेंज करवा के दे देंगे। और डिलीवरी का क्या प्रोसीजर होता है, गाड़ी वाले अवेलेबल होते हैं यहाँ पे या गाड़ी अपनी लेके आनी पड़ती है? नहीं सर, यहाँ पे आपको गाड़ी वाले भी मिल जाएंगे, अगर आपका घर ऊपर का है तो ऊपर चढ़ाने के लिए जो प्रोफेशनल मजदूर भी मिल जाएंगे आपको, जो ऊपर आपका सामान आराम से चढ़ा दें जिसमें कोई खराबी ना हो, सामान में कुछ ना हो, स्क्रैचेस वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। इसके अलावा वो फिटिंग वगैरह भी आपको करके देंगे, फिटिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस और रेंट जो होगा वो टोटल पैकेज आपको वो गाड़ी वाले ही बताएंगे। ठीक है। अच्छा, और डिज़ाइंस हैं या बस सर? इसके अलावा तो आप हमारे पास आएंगे तो हमारे पास कैटलॉग होगी, उसके अंदर आपको एक से एक डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, बाकी जो भी है। और इसके अंदर कलर स्कीम है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर कलर चॉइस भी है, आप कोई सा भी कलर इसके अंदर चॉइस कर सकते हैं। इसकी हमारे पास ये कैटलॉग है पूरी, ये टोटल एक्रेलिक के कलर हैं। इसके अंदर आप अपने रूम के हिसाब से, अपनी वॉल के हिसाब से जैसा भी कलर रखवाना चाहेंगे वो कलर आपका इसमें फर्नीचर में हो जाएगा। जिस तरह का भी डिज़ाइन आपको या कलर चाहिए वो सब काम हो सकता है आपका। चलें, ठीक है रहमान भाई, बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड किया हमारे व्यूअर्स को। तो रहमान भाई, मैं चाहूँगा एक दफ़ा दोबारा से हमारे व्यूअर्स को अपने शॉप का एड्रेस बता दें। सर, करीमाबाद मीना बाज़ार पे आके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से बहुत इजी है। मीना बाज़ार बहुत मशहूर है करीमाबाद का, कि आप कहीं से भी आएंगे और किसी से भी पूछेंगे कि मीना बाज़ार पे जाना है तो कोई भी आपको एड्रेस आराम से बता सकता है। करीमाबाद फर्नीचर मार्केट में अगर आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं तो आप डायरेक्ट पहुँच के वहाँ पर किसी से भी पूछ सकते हैं कि इमरान सन्स शोरूम कहाँ पर है, तो वो आपको बता देंगे। इसके अलावा अगर आपको अपनी लोकेशन वगैरह सेंड करवानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, उस पर हम आपको अपनी लोकेशन सेंड कर देंगे तो आप इजीली यहाँ पे पहुँच जाएंगे। व्यूअर्स, आज हमने आपको दो डिज़ाइंस दिखाए, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में रहमान भाई न्यू डिज़ाइंस लेकर आएंगे, तो वो भी डिटेल वीडियो होगी, तमाम डिज़ाइंस आपको हम इंशाल्लाह दिखाएंगे जो लेटेस्ट, जो दूसरी मार्केट से मेरे ख्याल में नहीं होते ऐसे डिज़ाइंस आपने कहा था वीडियो में, ये डिज़ाइन सिर्फ आपके पास। इमरान सन्स एक वाहिद शोरूम है जिसके पास आपको एक अलग ही डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो मार्केट में किसी और शोरूम पे नहीं होगा। ठीक है, अगर मार्केट में किसी और शोरूम पे आपको दिखेगा हम डिज़ाइन रखा हुआ हमारे शोरूम का, तो वो हमारा ही कॉपी करा हुआ, कॉपी किया हुआ होगा। सही, वैसे कॉपी और ओरिजिनल में काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वो भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।